मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में फाइनेंस के सोर्सेज कौन कौन से हैं? अब बिजनेस में फाइनेंस के सोर्सेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले फाइनेंस की कोटेशन पढ़ेंगे। फाइनेंस की कोटेशन क्या कह रहा है? फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइज। एक यूनिट के लिए पैसा जो है उसकी लाइफ के ब्लड की तरह है। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए इंसान के शरीर में खून का होना जरूरी है, ऐसे ही बिजनेस को जिंदा रहने के लिए बिजनेस के पास सफिशियंट लेवल का फाइनेंस होना जरूरी है। तो यहाँ क्या कहा गया है, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइज। एक यूनिट के लिए फाइनेंस जो है उसकी लाइफ के ब्लड की तरह है। अब हम कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के फाइनेंस के लिए, बिजनेस में फाइनेंस क्या कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस की जरूरत बिजनेस में क्यों पड़ती है? टू रन अ बिजनेस एंटरप्राइज स्मूथली, किसी भी बिजनेस की यूनिट को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए फाइनेंस इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। उसमें फाइनेंस प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है, फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस नीदर अ बिजनेस कैन बी कंडक्टेड इन एन एफिशिएंट मैनर नॉर इट इज टू एक्सपेंड द बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाना है तो फाइनेंस चाहिए, बिजनेस को आगे की ओर ले जाना है तो फाइनेंस चाहिए, बिना इसके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सकता। तो बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, बिजनेस की रनिंग को स्मूथ तरीके से करने के लिए बिजनेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो टॉपिक है नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, इसकी नेचर कैसी है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं। नेचर में फीचर्स होती हैं। तो पहले इसकी नेचर का पॉइंट है, नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस में फाइनेंस हर बिजनेस को चाहिए, हर टाइप के बिजनेस में फाइनेंस की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बिजनेस इज जनरली ऑफ टू टाइप्स। ज़्यादातर बिजनेस की आमतौर पे दो टाइप ही होती हैं। एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है या ट्रेडिंग बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना पड़ता है, माल को हम बनाते हैं, और ट्रेडिंग में बनाते नहीं हैं, बना बनाया लाते हैं और उसे क्या करते हैं, बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बनाने का काम करते हैं और ट्रेडिंग में बेचने का काम करते हैं। सिमिलरली फाइनेंस इज नीडेड फॉर बोथ टाइप ऑफ बिजनेस, लार्ज और स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस। फाइनेंस की जरूरत बड़े साइज के बिजनेस में भी पड़ती है, छोटे साइज के बिजनेस में भी पड़ती है। फाइनेंस की जरूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी पड़ती है जहाँ बनाना है, फाइनेंस की जरूरत ट्रेडिंग बिजनेस में भी पड़ती है जहाँ बना बनाया लाना है और बेचना है। सेकेंड पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस की जरूरत बिजनेस में उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि बिजनेस का साइज कैसा है। द क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। कितनी क्वांटिटी में हमें फाइनेंस चाहिए ये बिजनेस के साइज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड का क्या मतलब है, बड़ा बिजनेस है तो फाइनेंस ज़्यादा चाहिए, छोटा बिजनेस है तो फाइनेंस क्या चाहिए, कम चाहिए। मोर फाइनेंस इज नीडेड विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस।
जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा फाइनेंस की जरूरत हमें क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। थर्ड है इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, बिजनेस में फाइनेंस में हर एक तरीके की कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है। दो कैपिटल होती है, ओनर्स कैपिटल होता है, डेट कैपिटल, तो दोनों कैपिटल की जरूरत पड़ती है। बोथ ओनर्स कैपिटल एंड डेट कैपिटल आर इंक्लूडेड इन बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस के फाइनेंस में दोनों तरीके की कैपिटल की हमें जरूरत पड़ती है। मालिकों का पैसा भी लगाया जाता है, मालिकों का पैसा कम पड़ जाए तो लोगों से उधार लेकर भी यहाँ पर पैसा क्या किया जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग नेचर, बिजनेस में फाइनेंस की नेचर फ्लक्चुएटिंग होती है, जिसमें टाइमली क्या आता है, चेंज आता रहता है। द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस आर द लेवल ऑफ बिजनेस, बिजनेस में पैसे की जरूरत कितनी पड़ेगी ये बिजनेस में बिजनेस के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में अलग डिपेंड करेगी, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज है या डिक्रीज है उसके अकॉर्डिंग भी इसकी नेचर डिपेंड करेगी। और भी बहुत से फैक्टर हैं जिनके ऊपर बिजनेस की फ्लक्चुएटिंग वाली नेचर आती है कि बिजनेस में कभी पैसा ज्यादा चाहिए, कभी पैसा हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। देयर इज एन इमीडिएट चेंज इन द नीड ऑफ द फाइनेंस विद अ चेंज इन दीज फैक्टर, इन फैक्टर में जैसे ही चेंज होता है फाइनेंस की जरूरत भी चेंज होगी, फाइनेंस की जरूरत भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे इन फैक्टर्स में क्या आता है, चेंज आता है, एंड दीज फैक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये सारे फैक्टर जो हैं चेंजिंग फैक्टर हैं जो कभी भी एक जैसे नहीं होते। तो बिजनेस में फाइनेंस कैसी नेचर का होता है, जो बिजनेस में हमें लगाना है उसकी नेचर कैसी होती है, फ्लक्चुएटिंग नेचर है, क्योंकि बिजनेस में टाइमली चेंज का इम्पैक्ट आता है। जैसे इन फैक्टर में चेंज होगा फाइनेंस में भी टाइमली हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद है डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस, इसको निर्धारित कैसे किया जाता है बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग। द साइज ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, बिजनेस में कितना फाइनेंस आपके पास एट ए टाइम अवेलेबल हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के साइज को रखते हो, कि बिजनेस का साइज बड़ा रखना है या बिजनेस का साइज छोटा रखना है। द मोर द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी द लार्जर द साइज ऑफ द बिजनेस, जितना बिजनेस में फाइनेंस ज्यादा होगा बिजनेस का साइज बड़ा होगा, बिजनेस के पास पैसा थोड़ा है तो बिजनेस का साइज क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट है वाइडर टर्म, बिजनेस में फाइनेंस के टर्म एक नैरो टर्म नहीं है, एक वाइडर टर्म है। बिजनेस फाइनेंस इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंस, इट इंक्लूड्स द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर द अरेंजमेंट ऑफ दिस फाइनेंस एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि बिजनेस में फाइनेंस जैसे ज्यादा है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने फाइनेंस का अरेंजमेंट कर लिया जाता है। तो बिजनेस में फाइनेंस की जो टर्म है ये कैसी है, वाइडर टर्म, कैसी टर्म है, वाइडर टर्म है। इसका एरिया छोटा नहीं है, इसका एरिया काफी क्या होता है, बड़ा होता है। तो बिजनेस में फाइनेंस की नेचर के, बिजनेस फाइनेंस की नेचर के पॉइंट क्या क्या है, नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग नेचर, डिटरमाइन द साइज ऑफ द बिजनेस, वाइडर टर्म। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस के फाइनेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस में पैसे को लगाने से फायदा क्या मिलता है, बिजनेस में पैसा लगाने से
क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला पॉइंट है नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। द फाइनेंस इज नीडेड फॉर परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फॉर इनिशियल एक्सपेंडिचर। शुरुआती दौर के खर्चे करने के लिए बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे जमीन को खरीदना है, बिल्डिंग को खरीदना है, मशीनरी को खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है। तो शुरुआती दौर के कामों को करने के लिए बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे इन कामों पे बिजनेस में खर्च करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ ड्रीम टू थिंक ऑफ एस्टेब्लिशिंग बिजनेस विदाउट सफिशियंट फाइनेंस। बिना फाइनेंस के बिजनेस को करना एक स्वप्न के समान है। बिजनेस को करने के लिए हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट क्या है? नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। सेकंड है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के बाद बिजनेस को अब चलाना है, तो बिजनेस को चलाने के लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। वंस द बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड, फाइनेंस इज नीडेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पेइंग कैरेजेस, किराया भाड़ा देने के लिए पैसा चाहिए, वेजेस और सैलरी को देने के लिए पैसा चाहिए। ओनली एम्पल फाइनेंस कैन द बिजनेस सक्सेसफुली। बिजनेस को बढ़िया तरीके से करने के लिए प्रॉपर लेवल का जितना पैसा चाहिए वो बिजनेस के पास होना चाहिए, ताकि बिजनेस को बढ़िया तरीके से रन किया जा सके, चलाया जा सके। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मॉडर्न करने के लिए और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन मीन्स इंस्टॉलिंग न्यू एंड मॉडर्न मशीनरी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। पुरानी मशीनों की जगह बिजनेस में नई मशीनों के इंस्टॉल करना या नई टेक्नोलॉजी की मशीनों को लेकर आना, ताकि बिजनेस को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए मॉडर्न तरीके से किया जा सके। तो पुरानी मशीनों को छोड़कर नई मशीनें लाना है तो भी पैसा चाहिए, मशीन को खरीदना है पैसा चाहिए। सच अ स्टेप इज नेसेसरी रिमेन इन कंपटीशन। ये स्टेप जो है जरूरी है किसके लिए? टू रिमेन इन कंपटीशन, कंपटीशन में बने रहने के लिए जरूरी है। यदि नई मशीनरी से और नई टेक्नोलॉजी से माल बनेगा तो ही वो कंपटीशन को फेस कर पाएगा, नहीं तो कंपटीशन से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। सिमिलरली फाइनेंस इज ऑल्सो नीडेड द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट के बजाय अब दूसरे प्रोडक्ट को भी आप बनाना चाहते हो, तो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, अलग अलग एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है बिजनेस को करने के पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके अपनाने हैं, और बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, उसकी ब्रांचेस जगह अलग अलग जगह पे खोलनी है, एक प्रोडक्ट के बजाय दो प्रोडक्ट पे आना है, तो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ब्रांचेस को खोलने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए भी बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रॉफिट कम मैनी अ टाइम्स इन द बिजनेस। बिजनेस में कई बार हमें प्रॉफिट कमाने के मौके मिलते हैं। दीज अपॉर्चुनिटीज कैन बी अवेल्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ सफिशियंट फाइनेंस। इन अपॉर्चुनिटी को अवेल किसके जरिए कर सकते हैं? प्रॉपर फाइनेंस के जरिए हम अवेल कर सकते हैं, या एग्जाम्पल भी दे सकते हो, टू गेट कंसेशन ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क। बल्क में माल को खरीदोगे तो आपको माल को खरीदने पे
माल का रेट कम कर दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, कंसेशन दिया जाएगा। तो बल्क में खरीदने के लिए कंसेशन अवेल करना है तो आपके पास बल्क में खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। रिसेशन होता है मंदी का दौर, मंदी के दौर को भी प्रॉपर तरीके से फेस करने के लिए आपके पास प्रॉपर यूनिट के पास फाइनेंस होना चाहिए। अ बिजनेस कैन सर्वाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन ओनली हैविंग फाइनेंसिंग पेनल्टी। जिस बिजनेस के पास प्रॉपर पैसा होता है, जिस बिजनेस के पास प्रॉपर पैसा होता है वो रिसेशन के टाइम पीरियड को भी झेल जाता है, क्योंकि रिसेशन में प्रॉफिट नहीं होते तो एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी होनी चाहिए, सैलरी का पैसा होना चाहिए। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वालों को, सप्लायर को देने के लिए पेमेंट होनी चाहिए। तो रिसेशन के टाइम पीरियड में वही बिजनेसमैन रिसेशन को झेल पाते हैं जिनके पास उस टाइम पीरियड में भी प्रॉपर क्या होगा, फाइनेंस अवेलेबल होगा, तो वो रिसेशन की मार को बड़े अच्छे से फेस कर पाते हैं यदि उनके पास प्रॉपर क्या है, फाइनेंस है। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। गुडविल को बढ़ाने के लिए भी प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए बिजनेसमैन के पास। द गुडविल ऑफ अ बिजनेस कैन बी एनहांस थ्रू प्रॉम्प्ट पेमेंट। हर बिजनेस की यूनिट की गुडविल उसकी होती है जो टाइम पे पेमेंट देता है, एम्प्लॉई को टाइम पे सैलरी देता है, इन्वेस्टर को टाइम पे डिविडेंड देता है, सप्लायर को टाइम पे जो उसने सप्लाई किया उसकी पेमेंट करता है। तो जो टाइम पे पेमेंट करता है जो बिजनेस यूनिट, उसकी गुडविल अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। बिजनेस एंजॉइंग गुड रेपुटेशन कैन गेट लोन इजीली। जिस बिजनेस की यूनिट की रेपो बढ़िया होती है उसे मार्केट से लोन की फैसिलिटीज भी प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो जाती है, उसे कोई यूनिट लोन देने से मना भी नहीं करती क्योंकि मार्केट में उसकी गुडविल क्या है, अच्छी है, वो टाइम पे क्या करता है, पेमेंट करता है। तो ये पॉइंट था नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। गुडविल को बढ़ाने में भी फाइनेंस प्रॉपर तरीके से क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो ये टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसके पॉइंट क्या क्या थे, नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ फाइनेंस, नेसेसरी फॉर रनिंग द फाइनेंस, नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नेसेसरी फॉर फेसिंग द रिसेशन, और लास्ट है नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। तो आज के टॉपिक में हमने नया यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस कॉन्सेप्ट में नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस की है और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की है। थैंक यू बेटा।